हेलो एवरीवन, माय सेल्फ हेमंत कीचड़ फ्रॉम सरदार पटेल पब्लिक स्कूल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट ब्लड। तो ब्लड के बारे में पढ़ते हैं, हम जानते हैं। देखो, ब्लड क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है, एक संयोजी ऊतक होता है ब्लड। और देखो, ब्लड है हमारी बॉडी के अंदर या ह्यूमन बॉडी में 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है। उसके अलावा अपने जो ब्लड है, ब्लड की पीएच 7.4 होती है। मतलब कैसा होता है, हम वास्तव में बोलना कि ये एक बेसिक फॉर्म में होता है। तो इसकी जो हम ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी ऊतक है, हमारी बॉडी में 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है और हमारे ब्लड की पीएच 7.4 होती है। ये एक जनरल सी बातें थी। फिर हम देखो, ब्लड को हमने 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट होता है प्लाज्मा और दूसरा पार्ट होता है ब्लड सेल्स। तो हमारी बॉडी के अंदर पाया जाने वाला रेड कलर का ब्लड, उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहला ब्लड का पार्ट हमने बोला प्लाज्मा एंड दूसरा पार्ट बोला ब्लड सेल्स। तो प्लाज्मा हमारी ब्लड के अंदर प्लाज्मा 55% पाई जाती है, जबकि ब्लड के अंदर ब्लड सेल्स 45% पाई जाती है। जाहिर सी बात है, प्लाज्मा होता है वो 55 होता है और वो 45 ब्लड सेल्स 45 होती है। फिर देखो, हम बात करते हैं प्लाज्मा। अब हम एक एक के बारे में प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स के बारे में अलग अलग तरीके एंड विस्तार से पढ़ते हैं। पहले आता है प्लाज्मा। प्लाज्मा में देखो होता क्या है, किस किस से मिलकर के बनती है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा में देखो वॉटर, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं प्लाज्मा में। फिर देखो, इसके अंदर यूरिया होता है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस में देखो यही आते हैं, यूरिया, प्रोटीन, सोडियम, फास्फोरस, ये सब हमारे प्लाज्मा में पाए जाते हैं। और वाटर की परसेंटेज 90% प्लाज्मा में 90% क्या होता है, वाटर होता है, और जबकि 10% में ये इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस आर पाए जाते हैं। फिर देखो, प्लाज्मा में एक फाइब्रिनोजन प्रोटीन्स पाया जाता है जो ब्लड क्लोटिंग का काम करता है। फिर से बताता हूँ, प्लाज्मा में देखो, प्लाज्मा वाटर एंड ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से बनती है। प्लाज्मा में वाटर 90% होता है, जबकि 10% में यूरिया, प्रोटीन, सोडियम, फॉस्फोरस, ये इतनी सारी पाई जाती हैं। फिर हम बात करते हैं कि प्लाज्मा होती है, प्लाज्मा में देखो एक फाइब्रिनोजन प्रोटीन पाया जाता है जो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। इसके अलावा प्लाज्मा होती है, उसका फंक्शन क्या होता है, प्लाज्मा का फंक्शन होता है टेम्परेचर कंट्रोल, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करती है। दूसरा इसका फंक्शन है, अगर हमारे कहीं लग जाती है तो इंजरी हो जाती है, तो वहाँ जो घाव की रिकवरी में ये पार्टिसिपेट लेती है, कौन, प्लाज्मा। तो प्लाज्मा की हमने फंक्शन पढ़ा, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करती है और जो इंजरी को रिकवर करने का काम करती है। फिर हम बढ़ते हैं उसका जो दूसरा टाइप है, ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स में हम ब्लड सेल्स को 3 टाइप्स में डिवाइड किया। पहला रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कार्पल्स, दूसरा WBC वाइट ब्लड कार्पल्स या वाइट ब्लड सेल्स, और तीसरा प्लेटलेट्स। तो हमने 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया। फिर हमने RBC, हमने जानते हैं कि RBC हमारे ब्लड सेल्स का 90% बनाती है RBC, और उसके अंदर WBC है। WBC बहुत ही कम पाई जाती है, मतलब ऐसा मान सकते हैं कि ये 1 से 2% पाई जाती है, और जबकि 6 से 7% ये प्लेटलेट्स हमारी जो ब्लड सेल्स हैं उसके अंदर पाए जाते हैं। तो हम देखो जल्द सी बात ये बोल सकते हैं कि जो इसकी प्रेजेंस RBC सबसे ज़्यादा, बाद में हम बात करते हैं प्लेटलेट्स की, बाद में बात करते हैं WBC। तो ये इनकी प्रेजेंस होती है वाइट ब्लड सेल्स में, इनकी ये 3 टाइप से पाए जाते हैं। फिर हम देखो एक एक को पढ़ते हैं, RBC। RBC की फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड कार्पल्स या रेड ब्लड सेल्स। तो RBC देखो हमारी ब्लड सेल्स का 90% मैन्युफैक्चर करती है, इनकी RBC होती है। इनका जो कलर वो रेड होता है, किसकी वजह से, एक हीमोग्लोबिन पिगमेंट पाया जाता है हमारे RBC में, जिसकी वजह से हमारे खून का रंग लाल होता है। जो इनकी लाइफ होती है 120 डेज होती है, 120 दिन ये जिंदा रहती हैं। और इनका देखो ये फॉर्मेशन कहाँ होती है, बनती कहाँ है, मैन्युफैक्चर कहाँ होती हैं, ये हमारी हड्डियों के अंदर पाया जाने वाला बोन मेरू, उसके अंदर RBC बनती हैं।
फिर हम डेथ कहाँ होती है इनकी, डेथ होती है स्प्लीन, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्लिया, और देखो प्लीहा को ब्लड बैंक भी बोलते हैं। फिर देखो इनका वर्क क्या है, हमारी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का सेवन का काम करती है, उनका सर्कुलेशन का काम करती हैं। फिर देखो अगर हमारी बॉडी के अंदर आरबीसी की कमी है तो कौन सी बीमारी होगी, या रेड ब्लड सेल्स की कमी है तो कौन सी बीमारी होगी, तो एक तो एनीमिया बीमारी, ये हमारी ब्लड के अंदर हमने सुना है कि विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग एनीमिया, ठीक है। तो देखो आरबीसी की कमी होगी तो एनीमिया होगी, और दूसरा जॉन्डिस जिसको हम पीलिया बोलते हैं, तो आरबीसी की कमी से होने वाले ये दो रोग हो गए। फिर हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी के देखो हम जानते हैं ये बहुत ही कम पाई जाती है, बहुत ही लोएस्ट पाई जाती है, और इनकी जो लिविंग डेज होते हैं वो देखो 3 से 4 दिन तक जिंदा रहती हैं। ये हमारी जो ब्लड सेल्स हैं, ब्लड सेल्स में पाई जाने वाले सबसे लार्जेस्ट स्ट्रक्चर्स होती है, इनका फॉर्मेशन बोन मेरो में होता है, और देखो ये डिस्ट्रॉय कहाँ होती है, ये हमारे ब्लड के अंदर ही डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, जबकि ये आरबीसी की तरह स्प्लीन में डिस्ट्रॉय नहीं होती हैं, ये ब्लड के अंदर ही डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। और देखो इनका देखो फंक्शंस क्या है, हमारे इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी सिस्टम होता है उसको स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। और देखो एक याद रखने वाली बात ये है कि अगर विटामिन ए अगर इंक्रीज होता है, विटामिन ए अगर बढ़ाते हैं, विटामिन ए की संबंधित चीज़ें अगर हम ज़्यादा खाते हैं तो डब्ल्यूबीसी की मात्रा भी इंक्रीज होती है। फिर देखो हमने डब्ल्यूबीसी को 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया, एक को हमने बोला लिम्फोसाइट और दूसरे को बोला मोनोसाइट। लिम्फोसाइट्स वो होती कहते हैं हमारे को ये बीमारियों से सेफ रखती है, सेफ फ्रॉम डिजीज। और दूसरा मोनोसाइट्स, मोनोसाइट्स के बारे में एक अच्छी बात यह है कि ये अपनी बॉडी की लार्जेस्ट सेल्स होती है, याद रखने वाली बात है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मोनोसाइट्स इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ अवर बॉडी, हमारी बॉडी सबसे लार्जेस्ट सेल्स कौन सी होती है, ये मोनोसाइट्स होती है। और इसका काम क्या है, हमारी कोई भी जैसे इंजरी होती है तो उसको रिकवरी में ये अपनी पार्टिसिपेशन शो करती है। बाहर देखो अगर हमारी बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर अगर डब्ल्यूबीसी की कमी है तो एड्स डिजीज और ब्लड कैंसर, एड्स एंड ब्लड कैंसर इसकी वजह से ही होते हैं। और देखो एक मिनट डब्ल्यूबीसी के बारे में इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ कि अगर हमारे ब्लड में डब्ल्यूबीसी की मात्रा अगर कम होती है, याद रखो अगर डब्ल्यूबीसी की मात्रा कम होती है तो इसको हम बोलते हैं ल्यूकोपीनिया। डब्ल्यूबीसी की मात्रा अगर कम होती है, डब्ल्यूबीसी की मात्रा अगर कम होती है तो उसको हम बोलते हैं ल्यूकोपीनिया। अगर डब्ल्यूबीसी की मात्रा हमारी ब्लड सेल्स में ज्यादा होती है तो उसको बोलते हैं ल्यूकेमिया। अगर डब्ल्यूबीसी की मात्रा ज्यादा होती है तो उसको बोलते हैं हम ल्यूकेमिया, अगर डब्ल्यूबीसी की मात्रा कम होती है तो उसको हम बोलते हैं ल्यूकोपीनिया, ठीक है। इतनी डब्ल्यूबीसी के बारे में बातें थी। फिर हम इसका ब्लड सेल्स का लास्ट पार्ट पढ़ते हैं, प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स के बारे में देखो ये है कि हमारी बॉडी में 4 से 6 लाख पर लीटर हमारी ब्लड्स में ये पाई जाती हैं। फिर देखो इनका फंक्शन क्या है, ये ब्लड को क्लोट करने का काम करती हैं। और देखो ये किसके द्वारा, एक एडीज एजिप्टी मॉस्किटो होता है जिसकी वजह से ये स्प्रेड आउट होता है। और देखो एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जैसे हमारी बॉडी होती है, बॉडी के अंदर ब्लड हमेशा लिक्विड फॉर्म में रहता है, हम जाहिर सी बातें बांधते हैं, पर वो जमता क्यों नहीं है, चाहे हम कितनी सर्दी में रहें वो जमता क्यों नहीं है। तो हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड के अंदर एक हिपेरिन पाया जाता है, एक हिपेरिन नामक का एक ऐसी एक हिपेरिन नाम की एक स्ट्रक्चर्स पाई जाती है जो हमारे ब्लड को फ्रीजिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट पर भी उसको जमने नहीं देती है। तो आई थिंक मैं ये समझता हूँ कि आज का हमारा ये एक सिंपल सा टॉपिक ब्लड आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसमें से कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9001453197 पर आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। थैंक यू। अभी देखो हमने जो ब्लड के बारे में पढ़ा, अब उसके बाद में हम सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं कि ब्लड का सर्कुलेशन किस प्रकार से होता है। तो हम देखो हम जानते हैं ब्लड का सर्कुलेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन हार्ट होता है, हम जानते हैं हार्ट ही होता है। तो हार्ट के बारे में देखो हम देखते हैं, ये मैंने एक हार्ट का डायग्राम बनाया। हार्ट का डायग्राम में इधर देखो ये पल्मोनरी आर्टरी है जिससे क्या होता है ब्लड इंटर करता है। बाद में इधर देखो मैंने पल्मोनरी वेन्स है, लेफ्ट एट्रियम है,
बाइक स्पीड वाल्व है जो हमारे देखो लेफ्ट और लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स को टू भागों में डिवाइड करते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि जब इसे ब्लड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आता है तो वहाँ पर एक ये वाल्व होता है। उसके बाद में हम देखते हैं देखो इधर और देखो राइट एट्रियम राइट साइड होती है उस साइड में ट्राइकस्पिड वाल्व होता है और सेप्टम होते हैं जो दोनों को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मतलब कि जो राइट पार्ट एंड लेफ्ट पार्ट को दोनों को अलग करने का काम अपने सेप्टम करता है। फिर देखो राइट एट्रियम इन सब के बारे में हम अभी विस्तार से पढ़ेंगे। अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे जो ब्लड होता है ब्लड कौन सी साइड। ब्लड को हमने टू टाइप्स में डिवाइड कर दिया है। एक तो आप बोलोगे कि ऑक्सीजिनेटेड ब्लड, एक होता है डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड। अब देखो ऑक्सीजिनेटेड ब्लड कौन सा होता है, जिस ब्लड में ऑक्सीजन डिजोल्व है, मतलब ऑक्सीजन डिजोल्व है, और एक में जिसमें CO2 डिजोल्व है। जान गए ऑक्सीजिनेटेड ब्लड जिसको बोलते हैं शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त किसको बोलते हैं, जिस ब्लड में ऑक्सीजन डिजोल्व होती है उसको बोलते हैं ऑक्सीजिनेटेड या शुद्ध रक्त बोलते हैं। और दूसरे होता है डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड यानी अशुद्ध रक्त जिसको बोलते हैं जिसमें ऑक्सीजन घुली भी नहीं होती, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली भी रहती है। फिर हम देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये ब्लड देखो सॉरी ब्लड होता है ये पल्मोनरी वेन्स है, पल्मोनरी वेन्स से ब्लड इंटर करता है। अब जाहिर सी बात है कि ब्लड आया कहाँ से, तो हम देखते हैं ये हमारे मैंने एक सिंपल सा एक डायग्रामेटिक आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ाया था कि ये देखो इधर इसमें क्या होती है एल्यूलाइज होती हैं जिसको हिंदी में बोलते हैं कुपिकाएं, एल्यूलाइज प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पर ब्लड सेल्स प्रेजेंट रहती हैं, एल्यूलाई के जस्ट नीचे ब्लड सेल्स प्रेजेंट रहती हैं, और यहाँ देखो आर्टरी एंड वेन्स, आर्टरी एंड वेन। और आर्टरी के बारे में आप जानते हो कि ब्लड के सर्कुलेशन में जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं वो तो होती हैं आर्टरीज, उन वेंस वो होती हैं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, ठीक है। फिर देखो आर्टरीज प्रेजेंट होती हैं और वेंस भी प्रेजेंट होती हैं। फिर ये ब्लड सेल्स के अंदर देखो यहाँ ब्लड सेल्स के अंदर जैसे हमने रेस्पिरेशन किया, ऑक्सीजन को इनटेक किया, ऑक्सीजन को अंदर लिया, ऑक्सीजन अंदर लेने के बाद में देखो ये सारी प्रोसेस रेस्पिरेशन की सारी प्रोसेस के बाद में ये लंग्स में पहुँचने के बाद में जो यहाँ पर एल्यूलाई प्रेजेंट होती हैं, एल्यूलाई जो प्रेजेंट होती हैं वो क्या हो जाती है उनके अंदर ऑक्सीजन आ जाती है, ऑक्सीजन आने के बाद में वो क्या हो जाती है फूल जाती है। फूलने के बाद में देखो जो वाल्स होती हैं एल्यूलाई की जो वाल्स होती हैं उनसे ऑक्सीजन ब्लड सेल्स में आ जाती हैं और ब्लड सेल्स होती हैं वहाँ प्रेजेंट होती हैं आर्टरीज एंड आर्टरी प्रेजेंट होती हैं। तो आर्टरी देखो वहाँ से जब हमने एल्यूलाई से जो ऑक्सीजन आई थी उसको लेकर के आर्टरीज आ रही हैं भाई आर्टरीज यहाँ आ गई हैं कहाँ पल्मोनरी वेन में, पल्वोन जो अपना पल्मोनरी वेन्स है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। फिर देखो ये आ रहा हुआ देखो यहां तक आ जाता है लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आ जाता है। फिर देखो ये क्या होता है सिस्टोल एंड इसमें डायस्टोलिक प्रोसेस होती है जिसमें एक तो मतलब ये देखो पूरा आने के बाद में पूरा भर जाने के बाद में ये देखो पिचकता है, पिचकने पर यहाँ देखो बाइक स्पीड वाल्व होते हैं, ये वाल्व क्या हो जाते हैं खुल जाते हैं। ये वाल खुलने के बाद में देखो सारा जो ब्लड है डी ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आ जाता है हम जाता। फिर देखो यहाँ भी क्या होते हैं वाल होते हैं जिनसे कौन जुड़ी होती है आर्टरी जुड़ी होती है, क्या आर्टरी जुड़ी होती है। ये आर्टरी का फंक्शन ये है कि यहाँ से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करने का काम करती है, कौन जिसको हम बोलते हैं आर्टरीज बोलते हैं और वेंस बोलते हैं। जो आर्टरी क्या आर्टरी ने क्या किया कि जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड था उसको कैरी करके पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई कर दिया, ठीक है। अब देखो हम बात करेंगे ये राइट साइड की, राइट साइड में क्या होता है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर रहता है। फिर देखो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता कहाँ से है, जाहिर सी बात है कि ये अब देखो हमने ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात की थी कि वो सारा हमने एल्यूलाई में प्रेजेंट होती है ब्लड सेल्स वहाँ से आता है। फिर हम बात करेंगे अभी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ से होता है। फिर देखो ऑक्सीजन देखो वॉल बॉडी के अंदर होल बॉडी को ब्लड की सप्लाई करती। फिर देखो ये कौन लेकर गई आर्टरीज
लेकर भी, फिर यही वेन प्रेजेंट होती है पूरी बॉडी के अंदर, वेन्स प्रेजेंट होती हैं, वेन्स देखो पूरी बॉडी के अंदर कौन प्रेजेंट है, डीऑक्सीजन, जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको लेकर के देखो यहां से आ जाती है, इधर से, ठीक है, इधर से क्या हुआ जो हम जिसको बोलते हैं इधर से ब्लड की, ये सॉरी इधर से पल्मोनरी जो आर्टरी है इसके द्वारा ब्लड इंटर करता है, कौन सा ब्लड इंटर कर रहा है, हम बात करें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरीज के द्वारा इंटर कर रहा है, इंटर करने के बाद में हम देखते हैं ये राइट एट्रियम में आ जाता है, राइट एट्रियम के, और जिस प्रकार से ये लेफ्ट एट्रियम में होता है उसी प्रकार से राइट एट्रियम में भी क्या हो जाता है, उसको संकुचित होता है, संकुचित होने के बाद में ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पर ट्राइकस्पिड वाल्व होते हैं, ध्यान रखना ट्राइकस्पिड, उसमें जो लेफ्ट एट्रियम था लेफ्ट साइड में बाइकस्पिड वाल्व होते हैं जबकि इस साइड में ट्राइकस्पिड वाल्व हैं, इनके द्वारा देखो ऑक्सीजन जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो देखो किधर आ जाता है, राइट वेंट्रिकल्स में आ जाता है, राइट वेंट्रिकल्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आने के बाद में उधर देखो जिस प्रकार से हमने लेफ्ट साइड पढ़ा था इधर भी वाल्व होता है, इधर भी वाल्व होता है, फिर देखो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ आने के बाद में अब ये ब्लड कहाँ जाएगा, ये जाएगा कहाँ, वापस लंग्स पार्ट में, जिसको हम बोलते हैं एलुलाई पार्ट, जहाँ पर ब्लड सेल्स प्रेजेंट हैं वहाँ पर ब्लड पहुँच जाता है, वहाँ पर ब्लड पहुँचने के बाद में वापस वही प्रोसेस, फिर देखो हम क्या करते हैं सांस को बाहर निकालते हैं, सांस को हमने बाहर निकाला, जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है हम जो एक्सक्रीशन कर रहे हैं, एक्सक्रीशन से क्या हो रहा है मतलब कि ऑक्सीजन का एक्सक्रीशन कर रहे हैं, तो उससे देखो ऑक्सीजन वापस, पहले जो हमने इंस्पिरेशन किया था उससे ऑक्सीजन अंदर गई थी, अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर आ रही है, तो जो मतलब कि जिस ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी वो देखो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमने कहाँ तक पहुँचाई, एल्यूलाई तक पहुँचाई, एल्यूलाई से फिर देखो होती हुई वापस एटमोस्फियर में आ जाती है, ये सारी प्रोसेस देखो किस में होती है, हमारे हेड्स में होती है, तो वो हेड्स में हमने ये बात पढ़ी कि जो हमारा ब्लड होता है वो टू टाइप्स का होता है, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो होता है जिस ब्लड में ऑक्सीजन डिजोल्व हुई हुई होती है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली हुई रहती है, फिर हमने देखो इस डायग्राम के माध्यम से हमने ये समझा कि जो लेफ्ट है, लेफ्ट जो पोर्शन है अपने हर्ट का उसमें बाइकस्पिड वाल्व होते हैं, जो राइट साइड है अपने हर्ट का उसमें ट्राइकस्पिड वाल्व होते हैं, तो हम बता, और एक देखो मैं आपको बताता हूँ, एक सेप्टम प्रोसेस पाई जाती है हर्ट में, एक सेप्टम प्रोसेस पाई जाती है जिसके अंतर्गत क्या होता है, जो हर्ट के अपने राइट एंड जो लेफ्ट साइड है उसको डिवाइड करती है सेप्टम्स, इन सबको सेप्टम करने के बाद में हमारे देखो इधर सुपीरियर वेन केव एंड एंटीरियर वेन केव, ये इनर वेन केव, ये टू टाइप्स की केव्स पाई जाती हैं हमारी ब्लड के अंदर, जिनसे क्या होता है ब्लड कैरी होता है, फिर देखो ये हमारी जो ब्लड है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये देखो इस प्रकार से इंटर करने के बाद में इस प्रकार से पूरे के अंदर स्प्रेड आउट हो जाता है, उसी प्रकार से ये जो आर्टरीज जो ये अपना जो राइट साइड का जो पार्ट है उससे जो ब्लड होता है वो ये पूरा तरीके से पालवद, और देखो इस देखो अब अगर आपको इस डायग्रामेटिक में अगर आपने जो ब्लड में और जो सर्कुलेटरी सिस्टम में जो हम पहले भी अपने जो क्लास हुई थी उसमें पहले भी पढ़ चुके हैं, ये मैं आपको वापस से रिकॉल करवा रहा था, अगर आपको इसमें कोई भी अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम आई है तो आप मेरे को मेरे व्हाट्सअप नंबर 9001453197 पर आप मेरे से कॉन्टैक्ट